स्वागत है आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, तबीयत हो रही है ख़राब थोड़ी सी। सबसे पहले तो आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और रात में मैंने ये मेथी छाट के रखी थी, सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ इसको काट के ही रख दूँ, फिर मैं क्या होंगी दूसरे काम। तो मैं ले आई थी ये गंडासा, तो भाई मैं आपकी बारी गंडासा ले आई थी। चक्कू से काटने में बहुत टाइम लगता है, तो इससे ना जल्दी काम हो जाता है, इसलिए तो अभी रखूँगी मेथी काट के। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने सोचा फैला पड़ा था, पहले इसको ही अलग रख देती हूँ डाल के, फिर देखती हूँ क्या बनाना है। या तो इसी की सब्जी बना लूँगी या कुछ और देखूँगी। ये रात में छाट के लगा रखी थी, इसको छाटने में बहुत टाइम लगता है ना, इसलिए तो अब काट के रख दूँगी इसको। तो भाई देखो मैंने मेथी काट ली है गंडासे से, कटती तो इससे बहुत अच्छी है, बारीक बारीक कटती है, पर वैसे है तो ये बहुत सही चीज़ मेरे को। इसमें ना जब इसको काट के और साफ करके रखती हूँ ना, जब झंझट लगता है इसको साफ करने में, वैसे तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये भाई। ठीक है, कुछ फ़ायदे हैं तो किसी चीज़ के कुछ नुकसान भी तो होंगे ना। नुकसान कुछ नहीं है, जरा सी देर में साफ हो जाएगा। अब जरा सी देर में काम हो गया, बस 5 से 7 मिनट में मेथी कट के तैयार हो गई है, बस हो गया। तो भाई मैंने तो ये कर दिया है साफ। और आपको एक बात बतानी थी, इसको करना बहुत ध्यान से साफ। पिछली बार है ना मेरी उंगली कट गई थी इसमें, तो इसलिए बहुत जब साफ करो ना बहुत ध्यान से साफ करना। मैंने तो ये कर दिया है, पिछली बार अकल लग गई थी इसलिए। और इसको मैं ऐसे ही पैक करके पन्नी में अब रख दूंगी, जब ज़रूरत होगी फिर से निकालूंगी। तो भाई मैंने कर लिया है अपना सारा काम, सारा काम तो नहीं किया है, बर्तन वर्तन निपटा लिए हैं। और इधर लगा दी है मैंने रई, कई दिन की मड़ाई हो रखी थी तो उसका निकालूंगी घी। आलिया पी रही है दूध अपना। और आज मैं बनाऊंगी मूली के परांठे, मैंने मूली कस के रख दी है, बस ये कस के रख रखी है मूली, निचोड़नी बाकी है। तो मैं बनाऊंगी मूली के परांठे, और बच्चे तो खाते हैं नहीं परांठे मूली के, तो इनके लिए रात की सब्जी रखी है राजमा की, ये खाएंगे राजमा रोटी। तो भाई और तो मैं बना रही हूँ परांठे मूली के, तो जिसको भी अच्छे लगते हो पसंद हो आ सकता है और इन्जॉय कर सकता है और खा सकता है। तो भाई शाम का टाइम है और मैं आ गई रसोई में, तो निपटाती हूँ दूसरे काम। सुबह मैंने घी बनाया था मलाई का, और है ना डालना नहीं था बर्तन के अंदर, दूसरे बर्तन के अंदर, यह अब जम गया है। इसको दोबारा से गर्म करके दोबारा से डालूँगी। और आज गैस तो दोबारा से डालूँगी इसको बर्तन के अंदर छान छून के। और आज मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाया जाए। तो मैंने एक गैस पे दूध रख दिया गर्म होने के लिए, दूसरी गैस पे गर्म कर रही हूँ घी। इसको डालूंगी बर्तन के अंदर जिसमें पहले से दूसरा घी डला हुआ है, छान के और फिर बनाती हूँ। मैं कुछ सोच रही हूँ आज बाजरे की खिचड़ी बनाऊँ, तो बाजरे की खिचड़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो भाई मेरा दूध भी हो गया गर्म, इसको उतार के रख दूंगी एक साइड में। आलिया ऊपर से छाछ ला के दे मेरे को, छाछ लिया जाओ ऊपर से। और ये भी हो गया गर्म, इसको भी छोड़ दूंगी और इसको भी छोड़ दूंगी। इसमें पहले से मलाई का घी इकट्ठा कर रखा था मैंने, उसी बात के लिए इसको भी छोड़ दूंगी। Thank you.
छाछ बना, सोचा ठंड भी जा रही है, एक बार और बाजरे की खिचड़ी बना लेती हूँ, खाते भी सारे चाव से घर में, और एक बार लास्ट बार बना लेती हूँ। बस आज मैं बनाऊंगी फिर बाजरे की खिचड़ी, और ये डाल लिया मैंने बाजरा छाछ के अंदर, और इसको पिछोड़ के लाऊंगी बाहर बालकनी में बैठ के, और फिर इसको कूट के और फिर चढ़ाऊंगी खिचड़ी। मैं तो इमाम दस्ते में कूटती हूँ, आप कैसे कूटते हो उखड़ में, कैसे घर पे? तो हमारे उखड़ में कूटती है मेरी मम्मी, उखड़ है यहाँ है नहीं, तो यहाँ इमाम दस्ते में कूटते हैं। अब मैं लाऊंगी इसको पिछोड़ के बाहर बालकनी में बैठ के, और फिर इसको चढ़ाऊंगी। और मेन बात ये है कि खिचड़ी बन जाएगी, रोटियों से पीछा छुट जाएगा, आज रोटी नहीं बनानी पड़ेगी भाई, खुशी की बात तो है ही, रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो भाई हमारी खिचड़ी भी बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल देसी खाना, ये देखिए तैयार हो गई है, मैं सब डाल दूंगी इसको। तो भाई हमारा देसी खाना बाजरे की खिचड़ी बनके रेडी हो गई है। तो आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में बताना कि खिचड़ी किस किस को पसंद है बाजरे की। थैंक यू।